बड़ी बड़ी आंखें, लंबी कदकाठी, रौबदार चेहरा और ताव दिखाती मूछें, यह पहचान थी यूपी के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी की, जो आज 7 फीट की कब्र में दफन हो गया है। कहा जाता है कि मुख्तार को मूछों का बहुत शौक था और कई बार उसकी ऐसी तस्वीरें सामने आती थी जहां वो अपनी मूछों को ताव देता हुआ नजर आ जाता था। और तो और उसके दोनों बेटे अब्बास और उमर अंसारी भी पिता की तरह मूछें रखने लगे थे। दोनों बेटे अपनी मूछों को हमेशा अपने पिता की तरह ही ताव देते हैं। ऐसे में जब मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा निकलने वाली थी, मुख्तार ताबूत में बेजान पड़ा था, तब उस दौरान उमर अंसारी आखिरी बार अपने पिता की मूछों को ताव देते नजर आया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जहां उमर अंसारी ताबूत में पड़े अपने बेजान पिता की मूछों को ताव देता नजर आ रहा है। वहीं शनिवार को बांदा से गाजीपुर पहुंचे गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया गया। कब्रिस्तान में केवल परिवार के लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मुख्तार के जनाजे में शामिल होने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। इससे ये बात तो साफ हो गई कि भले ही वो कितना बड़ा माफिया क्यों न रहा हो, अपने करीबियों के दिल में उसकी एक अलग शख्सियत थी। चिलचिलाती धूप में जनाजे में शामिल होने के लिए लोगों का मजमा लग रहा था, जो इस बात की गवाही देता है कि मुख्तार इन लोगों के लिए किसी रहनुमा, किसी मसीहा से कम नहीं था। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार का शव उसके पैतृक गांव मोहम्मदाबाद पहुंचा। इस दौरान घर के बाहर पुलिस कर्मियों के साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात कर दिया गया था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। ये वही लोग थे जिन्होंने मुख्तार को मुख्तार बनाया। मुख्तार की एक झलक पाने के लिए लोगों का मजमा उनके घर के बाहर लग गया। इस दौरान मुख्तार के भतीजे और विधायक मन्नू अंसारी ने लोगों से गुजारिश की कि सभी लोग शांति बनाए रखें। इस बीच बाहर मुख्तार के समर्थक बेकाबू होने लगे थे, उनने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों और डीएम के समझाने के बाद समर्थक शांत हो गए। वहीं इस दौरान मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी भी लोगों को शांत रहने की अपील करते हुए नजर आया। लोगों के हुजूम को देखते हुए जिस रास्ते से जनाजा गुजरना था उसे डाइवर्ट करना पड़ा, दूसरे रास्ते से जनाजे को कब्रिस्तान ले जाया गया। इस दौरान कब्रिस्तान के बाहर भी भारी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात थे। मुख्तार की चाहत ऐसी कि लोग अपने घरों पर चढ़कर मुख्तार के आखिरी सफर के गवाह बन रहे थे। वहीं मुख्तार के कब्र में दफन होते ही कई सालों तक पूर्वांचल समेत पूरे देश के कई राज्यों में अपनी दहशत कायम रखने वाला माफिया हमेशा के लिए शांत हो गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।